नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग हमें दी है 17,539 पे, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी भी हम थोड़ा सा 17,500 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि हम 500 के ऊपर ही क्लोज करें, जबकि इस वीक में हमने यहाँ पे 17,200 का यहाँ पे लो भी लगाया हुआ है। लो लगाने के बाद हमने 500 के आसपास क्लोजिंग दी है। निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे जो दिख रहा है सेलिंग प्रेशर, निफ्टी में ज़्यादा दिख रहा है बैंक निफ्टी की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, जैसा कि मैंने आप लोग को जब हमें निफ्टी एनालिसिस की वीडियो मैंने डाली थी तो बताया था कि शूटिंग स्टार निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी दोनों में बनी थी। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार की कैंडल बनी और कैंडल बनने के बाद में लगभग ये कैंडल हमें 18,000 के आसपास बनी और वापस हमने 17,200 का यहाँ पे लो लगाया। निफ्टी में इंपॉर्टेंट एक ये है ना कि निफ्टी कभी भी अपने पिछले हाई को अभी क्रॉस नहीं कर पा रहा। अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो पहला हाई यहाँ पे बना, इस हाई के बाद हमने ये हाई लगाया, हमने इस हाई को टच नहीं किया, उसके बाद फिर से हमने हाई लगाया लेकिन हाई इसके नीचे बना, और इस बार भी हमने हाई लगाया लेकिन ये हाई अभी भी इस हाई के नीचे है। तो निफ्टी अपने पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा। बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर दिया है लेकिन निफ्टी अपने पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट जोन है कि निफ्टी 18,050 के ऊपर क्लोज करे। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेंज है 18,050। अगर निफ्टी 18,050, देखिए वीकली चार्ट के एनालिसिस बता रहा हूं, तब यहां पे एक नया निफ्टी में एक बुल रन आएगा जो कि इसको 18,800 के आसपास तक लेके जा सकता है। ध्यान रखिएगा 18,800 का मैं यहां पे बता रहा हूं, लेकिन वो कब, जब हम 18,050 के ऊपर क्लोज करेंगे। अभी हमारी क्लोजिंग है 17,500, लगभग यहां से 450 पॉइंट ऊपर, 450 से 500 पॉइंट ऊपर की हम यहां पे बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे निफ्टी में सेलर एक्टिव होते रहेंगे, क्योंकि उनके लिए ये सेलर के लिए ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे कंटिन्यू दिख रहा है। तो जब भी 18,000 के आसपास जाएगा सेलर यहाँ पे थोड़े से एक्टिव होंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 17,500 से लेकर के 18,000 के बीच में ही मार्केट यहाँ पर टाइम बिताए, यानी निफ्टी यहाँ पर टाइम बिताए, एक दो वीक इसके अंदर में रहे, और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर ये ब्रेकआउट आपको 18,800 के आसपास तक निफ्टी को लेके जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम 18,050 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब होंगे, तब हमें ये बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। नीचे की साइड में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 17,200। अगर निफ्टी 17,200 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये नज़र बना के रखिएगा, फिर निफ्टी का जो टारगेट होगा वो होगा 16,800 का। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 16,800 के आसपास है, ये मेजर सपोर्ट है निफ्टी में 16,800 का। 16,800 वाले लेवल को ही हमने यहाँ पर ब्रेकआउट किया था, और उसके बाद हो सकता है कि हम इस लेवल तक आएँ, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 16,800। सबसे अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,000, अभी हमारे लिए जो सपोर्ट है वो है 17,200। 17,200 के बाद हम 16,800 की बात कर रहे हैं। अगर 17,200 के नीचे की क्लोजिंग हमें मिलने लगी फिर ये 16,800 के पास भी निफ्टी यहाँ पे आ सकता है। जब तक निफ्टी 17,500 और 18,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है तब तक ये बायर के कंट्रोल में रहेगा। हम 17,500 के नीचे क्लोज करने लगते हैं तो ये थोड़े से सेलर यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होने लगेंगे, और 17,200 के बाद में ये सेलर की कंट्रोल में आ जाएगा। अभी ये सेलर की कंट्रोल में नहीं, अभी ये 17,200 के बाद ये सेलर की कंट्रोल में आ जाएगा। सेलर की कंट्रोल में आने का मतलब ये होगा कि हर जो बाउंस बैक आएगा वहाँ पे सेलर एक्टिव होते रहेंगे और वो इसको लेके आएंगे 16,800 के आसपास। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेंज है अभी वो है 18,000 की यहाँ पे वीकली चार्ट पे। अब चलिए हम डेली चार्ट देखते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन, स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट चार्ट लेवल पोस्ट करते रहता हूँ। तो उसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए यहाँ पर। अभी जो शॉर्ट टर्म में हम देखें, जो हमारे पास जो अगला रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है 17,800 का। 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग हमें 18,000 के आसपास तक लेके जाएगी। तो अभी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है 17,000 डेली चार्ट पे, जो छोटा रेजिस्टेंस है वो है 17,800 का। सपोर्ट तो हमारे पास वही है 17,200 वाला, यही सपोर्ट है। तो ये 600 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मार्केट इस 600 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करे और उसके बाद हम जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दें फिर वहाँ पर आपको बड़ी तेजी या बड़ी मंदी होती हुई दिखेगी। तो जब तक इस रेंज के अंदर में है तब तक आप आराम से ट्रेड कीजिए, जो भी आपको 150 पॉइंट मिलते रहे निफ्टी में इंट्राडे में उसे लेते रहिए और खुश रहिए। बड़े मूवमेंट के बारे में यहाँ पे मत सोचिए। बड़े मूवमेंट के बारे में हम तब सोचेंगे जब ये 17,200 के आसपास आके कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर या नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तब यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं। अगर कंसोलिडेशन के बाद या फिर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो उसके बाद वापस ये 17,600 के आसपास तक यहाँ पे जा सकता है जहाँ पे हमने क्लोजिंग दी है। लेकिन वो कब, जब 17,200 के आसपास आएंगे। तो 17,800 ये रेजिस्टेंस एरिया है, 17,200
से लेकर के 17,300 ये सपोर्ट एरिया है डेली चार्ट में निफ्टी के लिए। निफ्टी का मैंने ये 15 मिनट का चार्ट लगाया है, तो पिछले 2 दिन से देखिए बहुत अच्छा जो निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है वो सपोर्ट ले रहा है 17,475 के आसपास कंटिन्यू ये सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे अब लगभग 2 से 3 टाइम हम सपोर्ट यहाँ पे ले चुके हैं। अगर इस सपोर्ट रेंज को हम ब्रेक करते हैं तो निफ्टी का टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 17,410, सेकेंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,340 और थर्ड टारगेट हमारा होगा 17,275। ये 3 टारगेट रहेंगे निफ्टी में। अगर निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन होने के साथ में 17,475 के लेवल के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करने लगता है तो टारगेट 17,410, 17,340 और 17,275 ये टारगेट आपको निकल के आएंगे। इस कंडीशन में जो आपको निफ्टी का एसएल रखना पड़ेगा वो क्लोजिंग यानी 17,530 के आसपास का आपको एसएल रख के भी स्टेट में आना है। ऊपर की साइड पर देखेंगे तो हर रेंज पर जैसे पिछला हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा, यानी 15 मिनट के चार्ट पर भी देखेंगे तो ये पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो अगर ये पिछले हाई को निकालता है तब यहाँ पे थोड़ी सी मोमेंटम यहाँ पे बन सकती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज होगी। ये रेंज हमारे लिए है 17,633। अगर निफ्टी 17,633 के ऊपर निकलता है और कंटिन्यू सस्टेन करता है तो यहाँ पे जो टारगेट होंगे वो रहेंगे 17,700, सेकेंड टारगेट होगा 17,760 और थर्ड टारगेट होगा 17,835। ये 3 टारगेट वापस आपको निकल के आएंगे। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन अगर होता है तो यहाँ पे हम प्राइजेक्शन को फॉलो करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या जाके आप सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस। लगभग 2,65,000 मेंबर वहाँ पे जुड़े हैं, तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप हमारा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिस पे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में लॉगिंग आईडी और फंड ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट दिए हुए टेलीग्राम नंबर पे आप सेंड कर दीजिए, जिससे हम आपको अपने लर्निंग ग्रुप में ऐड कर लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।